नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक लाइव। इस समय हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 24 शहादतगंज, जहां से आम आदमी पार्टी महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है। आइए इनसे जानते हैं, सविता शर्मा जी से, कि अगर ये महिला प्रत्याशी जीत करके अपने क्षेत्र में आती तो किस प्रकार के कार्य करने की जनता से वादे करती हैं और पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार का कार्य हुआ इस क्षेत्र में, ये भी इनसे जानेंगे। सविता शर्मा जी, आप पिछले 5 वर्षों में देख सकते हैं खुद की टूटी सड़कें पड़ी हैं, मेन होल्स खुले हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें सही टाइम से नहीं जलती हैं, ना उनकी उनको सही करवाया जाता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है। और मैं कई जगह जनसंपर्क के लिए गई, वहाँ लोगों ने शिकायत की मुझसे कि क्या कहते हैं, ये सड़कें काफ़ी दिनों 5 सालों में नहीं बनी है, नालियाँ नहीं हैं, पानी भर जाता है बारिश के समय। तो सविता शर्मा जी, अगर ये जो आप असुविधाएँ बता रही हैं जनता को फेस करनी पड़ रही हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर आप इस क्षेत्र में विजयी होकर आती हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, जीतती हैं, तो इन असुविधाओं को लेकर के आप क्या आवाज़ उठाएंगी? मैं इन सुविधा के लिए असुविधा के लिए आवाज़ उठाऊंगी और मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए कोशिश करूंगी। सिलाई करती हैं तो महिलाओं के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ये सिलाई केंद्र फ्री चलाया जाए। जी बिल्कुल भी। और जो जैसे कि हमारे नगर निगम प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े, हमारे गरीब बच्चे फीस नहीं दे पाते, पढ़ नहीं पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मैं उन प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे गरीब बच्चे फ्री में शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है, उस तरीके से क्या उसी रोल पे आप यहाँ पे कार्य करने की बात करें? तो मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिससे उन्होंने हमें विश्वास जताया, हम भाई पार्षद प्रत्याशी सविता शर्मा को जी को टिकट दिया है, मैं उन्हीं के पद चिन्हों में चल करके मैं क्षेत्र का विकास करूँ, बिल्कुल लखनऊ को दिल्ली मॉडल बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख रहे थे सविता शर्मा जी को, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी, जिनसे अभी हमारी बात हुई। इन्होंने अपने वादों को लेकर के जनता के बीच में जो सवाल उठाए हैं, जो कमियाँ गिनाई हैं, अगर ये प्रत्याशी जीत कर आती हैं, जनता इनको अपना आशीर्वाद देती है, तो इन जो इन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करने का ये संकल्प ले रखा है। कैमरामैन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक